नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सफल इंसान को अपने जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए उन्हें हर प्रकार के कार्यों को करने पड़ते हैं। उन्हें हर चीज़ों को सहन करके उनमें सम्मिलित होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। जी दोस्तों, अगर उनके सामने कोई कठिन समस्या भी है तो उन्हें वह निवारण करके उन्हें चीरते हुए अपने जीवन काल में आगे बढ़ते हैं। जय दोस्तों, तभी जाकर एक सफल इंसान बनता है। जय दोस्तों, अगर फिर भी उनके जीवन काल में कोई समस्याएं हैं, फिर भी उनके जीवन काल में कोई कठिनाइयां आती रहती है, तो दोस्तों उन्हें भी यह बात का पता चलता है कि हमारे जीवन काल में कोई गलती जरूर है, तभी जाकर हमारे राह में आते जाते समस्याएँ आ रही है। जी दोस्तों, और इसी प्रकार आज के इस वीडियो में आपके भी जीवन काल की हम 3 प्रमुख गलतियाँ बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे कि आज के बाद से हम यह गलतियां भूल कर भी नहीं करेंगे। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपकी गलतियां नहीं बल्कि आपके जीवन की सीख बताने वाले हैं और इन्हें सीखकर आपको काफ़ी मजा आने वाले हैं। जी दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा सीखकारी रहने वाली है, तो दोस्तों इन्हें आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आपकी 3 प्रमुख गलतियां बताएंगे, साथ ही जो ग्रहों की स्थिति होगी, आपके जीवन काल में जो परिवर्तन होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि आने वाले समय में आपको कौन सी सावधानी, कौन सी चेतावनी रखने की आवश्यकता होगी, कौन से कार्य आपके लिए लाभकारी होंगे, ग्रहों की जो स्थिति होगी उनके अनुसार आपके घर के माहौल में, पारिवारिक में क्या क्या सुधार होंगे, इन सभी की भी विस्तृत जानकारी देंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं कुछ जीवन के सीख के बारे में, जिन बातों को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि व्यक्ति के हंसमुख चेहरा यह नहीं दर्शाता है कि वह कितना खुश में है या फिर कितना दुख में है। जय दोस्तों, एक हंसमुख चेहरा यह दर्शाता है कि व्यक्ति को कितने दर्द सहने की क्षमता है। जय दोस्तों, और आप भी अपने जीवन काल में ऐसा ही बनिए। जय दोस्तों, क्योंकि अगर आप व्यक्ति को दुख प्रकट करते हैं तो दोस्तों आपके जो दुश्मन हैं युवा में उनका लाभ उठाएंगे और आपके पीठ पीछे वो आपको मजाक उड़ाएंगे। जय दोस्तों, इसलिए आप कभी भी किसी के सामने अपनी गलतियां, अपनी कमियां ना दिखाइए। आपके जग में कुछ भी ना हो फिर भी आप सहनशील और साहसी बनने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में व्यक्ति का कोई जेब नहीं बल्कि उनका ऊपर का पहनावा देखता है, उनका ऊपर का चेहरा देखता है। तो दोस्तों, हर वक्त आप खुश और हंसमुख रहने का प्रयास करिए, कि दोस्तों आपके हंसते चेहरे भी आपके दुश्मन को अंदर ही अंदर जलाकर खा कर देंगे। जय दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का कुछ खास ध्यान रखने वाली बातें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं आपके जीवन काल में जो ग्रहों की स्थिति होगी, इनके अनुसार क्या क्या बदलाव आएंगे, और इसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी 3 प्रमुख कौन सी गलतियां हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, यह समय आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण करने का समय होगा। दूसरों के प्रभाव में इसमें आप ना आए और अपने वसूलों और सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करें। आपको बता दें कि आपको वैसा ही सफलता इसमें प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी जो समय होंगे, आपको बता दें कि नौकरी अथवा इंटरव्यू आदि में सफलता की आपके योग बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो आपकी किसी महत्वपूर्ण वस्तु के खोने या फिर चोरी होने जैसी आशंका बन रही है। अपनी चीज़ों की संभाल आप स्वयं ही करें। दोस्तों, बनती कार्यों में कुछ व्यवधान इसमें आ सकते हैं, परंतु तनाव लेने की अपेक्षा यश में आपको समस्या का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, ये आपके लिए यश में उचित साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, पिछले समय में मिले धोखे की वजह से लोगों पर विश्वास फिर से रखना आपके लिए कठिन रहेगा। निजी रिश्तेदारों के साथ किसी भविष्य संबंधित व्यवहार या फिर पेशे से संबंधित व्यवहार करते समय अपनी क्षमता से बाहर जाकर कोई भी काम ना करें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। आज के उपरांत दोस्तों, यह समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए जो समय होंगे, बहुत ही अनुकूल समय होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल में जाने का प्रोग्राम भी यश में बन सकता है, तथा शांति भी यश में आप महसूस करेंगे। किसी प्रिय मित्र के साथ उपहारों का आदान प्रदान भी यश में रह सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में किसी प्रकार का तनाव हावी रहेगा, परंतु यश में अपनी मन स्थिति मजबूत बनाकर रखें, शीघ्र ही परिस्थितियाँ समान हो जाएंगी। समस्याओं से घबराने की बजाय उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करें।
आपको बता दें कि दोस्तों अपने नज़दीकी लोगों के साथ संबंधों में और अधिक मधुरता लाएं, ये आपके लिए बेहतर साबित होगी। और इसके उपरांत दोस्तों ऐसे परिवार के साथ संबंध अच्छे बने रहने की वजह से आपको मानसिक समाधान भी प्राप्त होगा। जिन संबंधों को आप गहरा बनाना चाहते हैं उनके प्रति दिखाई हुई निष्ठा आपके लिए उपयुक्त रहेगी। भाई बहनों में भी यश में प्यार बढ़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में भाग्य आपको हर परिस्थिति से जूझने की शक्ति प्रदान कर रहा है, अतः समय का भरपूर सदुपयोग करें और अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। दूसरों पर अधिक विश्वास करना यश में आपके लिए उचित नहीं रहेगा। शादी दोस्तों सभी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेने के बजाय उन्हें बांटना भी यश में आपको सीखना चाहिए, क्योंकि दूसरों की समस्याओं में उलझने से आपके अपने व्यक्तिगत काम प्रभावित होंगे तथा स्वास्थ्य पर भी इनका नकारात्मक असर पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको दिखावे की प्रवृत्ति से भी दूर रहना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुनूंगी, आपको बता दें कि दोस्तों मन की चंचलता और स्थिरता होने के कारण किसी एक बात पर एकाग्र होना आपके लिए कठिन होगा। आपको बता दें कि इनकी वजह से आसान काम भी आपको मुश्किल लग सकता है। खुद पर विश्वास रखकर आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। परिस्थिति कठिन नहीं है, लेकिन मेहनत और लगन दिखाने की यश में आपको आवश्यकता हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि आपको महसूस होगा कि कोई ईश्वरीय शक्ति भी आपको जो है साथ दे रही है या फिर आपके कामों को कर रही है। ऐसा दोस्तों आपके मेहनत के अनुसार ही काम होंगे। आपको बता दें कि अपने आत्मविश्वास और फिर मेहनत द्वारा आप कोई बड़ी उपलब्धि भी यश में हासिल करने में सक्षम रहेंगे। आय के यश में नए स्रोत भी बनने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों कुछ नकारात्मक परिस्थितियां सामने आ सकती है, परंतु आप आसानी से उन्हें हल करने में भी सक्षम रहेंगे, बशर्ते आपको यश में मेहनत करने की आवश्यकता होगी, चिंताओं को ढूंढने की आवश्यकता होगी कि कहां से यश में समस्या का हल कर सकते हैं। इन पर यश में आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए दोस्तों ये जो समय है, आपको बता दें कि बच्चों का उचित मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी होगा। लेन देन करते समय ध्यान रखें कि कुछ नुकसान भी यश में आपसे हो सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुनूंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन उसे पूरा करने का उत्साह आपको यश में सफलता दिलाएगा। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति देखने की वजह से माता पिता की चिंता भी यश में कम होने वाली है। प्रगति के महत्वपूर्ण अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। आपको बता दें कि उचित समय पर सब काम जो है पूर्ण भी हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोग इस बात का ध्यान रखें कि आपके द्वारा किए गए काम का जो है श्रेय कोई और भी ले सकता है। बेहतर होगा कि अपनी गतिविधियों को किसी के समक्ष जो है जाहिर ना करें। दोस्तों ये समय आपके व्यवसाय के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होंगे। आर्थिक स्थिति भी यश में बेहतर बनी रहेगी, परंतु इस बात के इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से आपको कोई नुकसान होने की संभावना है। नौकरी में ऑफिस का वातावरण भी जो है अनुकूल बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुनूंगी, आपके करियर के लिए सुनूंगी, आपको बता दें कि दोस्तों यश में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से व्यवस्था बनी रहेगी। दोस्तों लोन लेने जैसी स्थिति भी यश में बन सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को प्रमोशन संबंधी कोई खुशखबरी भी यश में मिल सकती है। इनसे दोस्तों आपका मन भी यश में प्रसन्न रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में बिजनेस संबंधी बाहरी गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दें। इनकम का कोई नया सोर्स भी यश में बन सकता है। किसी कर्मचारी की गलती की वजह से कोई काम भी इसमें खराब हो सकता है। बेहतर होगा कि सभी गतिविधियों पर अपनी निगरानी जरूर रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपकी पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में वैवाहिक जीवन तथा प्रेम संबंध दोनों में ही किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। विवेक से काम लेना तथा लोगों की बातों में ना आना यश में आपके लिए बेहतर होगी। तो दोस्तों इन चीज़ों पर आपस में आपको गौर करने की आवश्यकता होगी। ये आपके लव लाइफ के लिए और प्रेम संबंध के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके घर परिवार के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें घर का वातावरण यश में मधुर तथा अनुशासित रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा भी यश में आपके ऊपर आपके घर के वातावरण पर व्याप्त रहेगी। आपको बता दें कि किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात भी यश में आपसे हो सकती है, जिससे माहौल जो है और भी खुशनुमा बन सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंगों में नज़दीकी आने वाली है। डेटिंग पर जाने का अवसर भी आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों पारिवारिक लोगों के साथ कुछ समय मनोरंजन व फिर इनसे संबंधित कार्यों में जरूर व्यतीत करें, इससे पारिवारिक लोगों को खुशी और उत्साह महसूस होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें, अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा।
जो है डाइजेशन संबंधी समस्या हो सकती है। हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, ये आपके लिए समय आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होंगे। तो आए दोस्तों से के साथ अब बात करते हैं कि आपके जीवन काल की तीन प्रमुख गलतियाँ जिन्हें आप अभी तक कर रहे हैं और यह गलती ही आपको आपके जीवन काल में बर्बाद कर रहे हैं। जी दोस्तों, इन गलतियों को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों यह गलतियों को अगर आपने अपने जीवन काल में सीख में बदल दिए तो दोस्तों आप एक सफल इंसान बन गए। जी दोस्तों, आपको सबसे पहला गलती बता दी कि आप बहुत जल्दी किसी पर यकीन कर लेते हैं। जी दोस्तों, इस बात को ध्यान सुनिएगा कि जो भी अनजान व्यक्ति आपके समक्ष आते हैं, जिन्हें आपके साथ आए हुए कुछ दिन ना हुए हैं और उनके ऊपर जो है आप बहुत ही जल्दी विश्वास करते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सुधार करने की आवश्यकता है कि जो भी व्यक्ति हो आपके समक्ष, जो भी कोई आया हो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको उनके ऊपर सोच विचार करना है, फिर ही कोई जो है कार्य करना है। जी दोस्तों, और आज से ही अपने जीवन काल में आप सुधार करें। इसके साथ ही दोस्तों, आपके जीवन काल की आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप अपनी जो भी कार्य करने वाले हैं उन्हें दूसरे के सामने उजागर कर देते हैं। जी दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको कोई भी आने वाले समय में कार्य करना हो, कुछ भी आपको आरंभ करना हो, किसी चीज की शुरुआत करना हो, तो दोस्तों ऐसे में वह चीज़ों को, वह प्रोजेक्ट को आप किसी के सामने उजागर ना करें, कि दोस्तों इन्हीं का फायदा उठाकर वे आपके ऊपर कुछ ऐसे कार्य करते हैं कि आपके कार्य शुरुआत में ही बहुत ही घाटा देते हैं। तो दोस्तों इस बात को भी अपने जीवन काल में आपको याद रखना चाहिए कि अपने जीवन काल में कोई भी जो गुप्त बातें हैं वह किसी और के साथ शेयर न करनी है। जी दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, आपकी जीवन की तीसरी गलती यह है कि आप उन लोगों की आज से ही पहचान करना शुरू कर दीजिए जो कि आपके मुंह पर तो अच्छे बोलते हैं और आपके पीठ पीछे आपकी ही बुराइयां करते हैं। जी दोस्तों, इस बात को आप जाने अनजाने में नज़रअंदाज कर देते हैं, तो दोस्तों इन्हें आपको बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं करनी है। जो व्यक्ति आपको लगे कि ये आपके लायक नहीं है, ये आपकी बुराइयां करती है, ये आपके कार्यों में, आपके जीवन काल में आपको सिर्फ ही सिर्फ नुकसान करवाते हैं, तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को भी आप टाइम निकाल कर इनकी पहचान करें, इनके ऊपर ध्यान दें और इन्हें अपने जीवन काल से निकाल दें। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं यही व्यक्ति है जो कि आपको अभी तक गड्ढे में गिरा रही है। मुंह के सामने तो ये आपसे अच्छी बात करते हैं और पीठ पीछे आपके बहुत ही बुराई करते हैं, योग्य हैं तो पीठ पीछे आपके लिए नुकसान के ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों आज से ही आप इन व्यक्तियों की भी पहचान करिए, इन्हें बिल्कुल ही नज़रअंदाज ना कीजिए। चलिए दोस्तों, तो इन तीनों चीज़ों को जो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि दोस्तों यही तीन गलती है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो दोस्तों आज से ही अपने जीवन काल में इन गलतियों को सुधारिए और साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।